Hey, what's up guys? This is Tahul and you are watching Indian Tech YouTube channel. So, दोस्तों सभी यूजर्स के सभी जितने भी टेलीकॉम यूजर्स हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि 5G जी हाँ इंडिया में 5G बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5G हमारे इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो इसका एक रिपोर्ट सामने निकल के आया है क्योंकि गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार बहुत ही जल्दी 5G का जो स्पेक्ट्रम का जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो को सबसे पसंद आ रहा है तो जरूर को जल्द से लाइक कर दीजिए और उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ जो बेल का आइकन है उसको भी जरूर से इनेबल करें। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी जो 5G स्पेक्ट्रम है वो टेस्टिंग के लिए भेजने वाला है, तो इसमें बहुत सारे ऑपरेटर पार्टिसिपेट करने वाला है। इसमें जियो भी है, एयरटेल भी है, मतलब ये दोनों में से कोई एक सबसे पहले आएगा। तो रिपोर्ट के अनुसार ये 2019 में ये जो 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है ये स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद एक साल इसके टेस्टिंग के लिए लगेगा। मतलब एक साल तक आपको शायद बहुत से लोगों को फ्री मिलने वाला है 5G। जैसे कि आपको पता है कि जियो जब 4G लॉन्च किया था तब 3 महीना या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ समय तक वो फ्री चल रहा था, वो टेस्टिंग के समय था। तो वैसे ही अब 5G का टेस्टिंग होने वाला है और इसमें भी शायद एक साल तक समय लगेगा क्योंकि ये 5G है, इसलिए एक साल समय लगेगा। तो एक साल तक बहुत से लोगों को फ्री मिलने वाला है। अगर सभी को दे दिया तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन शायद सभी को नहीं मिलेगा, कुछ सिलेक्टेड कुछ कस्टमर को मिलेगा। तो 2019 में इसका टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद 2020 के एंड में या फिर 2021 में हमारा 5G सभी के फ़ोन में ही अवेलेबल हो जाएगा और 2019 से ही हमें जो 5G फ़ोन है वो सभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी आप लोगों को क्या लगता है कि जियो और एयरटेल इन दोनों में से कौन सबसे पहले 5G लॉन्च करेगा और कौन सबसे ज़्यादा बेहतर हमें डेटा प्रोवाइड करेगा? सो आप लोग जरूर से नीचे कमेंट कीजिएगा। और उसी के साथ जो भी BSNL यूजर्स है उन सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है क्योंकि BSNL में जैसा कि आप लोग आपको पता है कि 2G और 3G है, लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर आपको 4G भी मिल जाएगा BSNL में। और BSNL का प्लान सबसे सस्ता होता है, तो उसमें अगर 4G में भी अगर ऐसा सस्ता प्लान देते तब तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। सो अभी देखते हैं कि 5G सबसे पहले कौन लॉन्च करता है और जियो में तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। सो आप लोग जरूर से वेट कीजिए। सो आई होप आपको आज के टेलीकॉम न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को जल्द से लाइक कर दीजिए और उसके साथ इस वीडियो को जल्द से शेयर करें और उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अल्लाह हाफिज़।